ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अध्यात्म के मार्ग में हूँ, चाहे लौकिक पढ़ाई में हूँ, चाहे कोई लौकिक संसार में रहते हों, सभी के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता का बहुत ही महत्व है। एक विद्यार्थी यदि एकाग्रचित है तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक कार्यकर्ता यदि एकाग्रचित है तो वो अपना घंटों का काम बहुत जल्दी पूर्ण कर लेता है। और एक योगी यदि एकाग्रचित है तो वो प्रभु मिलन के सुखों में, आनंदों में जीवन को तृप्त कर लेता है। हम सभी जो राजयोग के मार्ग पर अग्रसर हैं, जिन्हें सर्वशक्तिवान से सब कुछ प्राप्त करना है, जिन्हें परम सदगुरु के द्वारा वरदानों से अपनी झोलियां भरनी है, जिन्हें बाबा के द्वारा सर्व खजानों से संपन्न होकर विश्व की महान सेवा करनी है, जो प्रकृति के मालिक बनना चाहते हैं और जो निरंतर योग के आनंद के द्वारा प्रभु मिलन का सुख लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी एकाग्रता को परम महत्व देना चाहिए। जिस चीज को हम महत्व देते हैं उस पर हमारा बहुत अटेंशन होता है, उसके लिए हम समय और एनर्जी बचाते हैं। हम महत्व दें अपनी एकाग्रता को कि मुझे तो संगम युग पर योग का संपूर्ण रस प्राप्त करना है, मुझे तो एकाग्रचित होकर स्वयं को सर्व शक्तियों से भरपूर करना है, मुझे तो एकाग्रता के बल से परम सद्गुरु से चारों युगों के लिए श्रेष्ठ वरदान प्राप्त कर लेने हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अपनी एकाग्रता को महत्व दें, इस पर चिंतन करें तो मुझे अपनी मन बुद्धि को जहाँ तहाँ भटकाना नहीं है। ये भटकती हैं और अननेसेसरीली भी भटकती हैं, जहाँ से कोई लेना देना नहीं वहाँ भी भटकती हैं। मन और बुद्धि को भटकने की आदत सी पड़ गई है, तो हम सभी स्वयं को व्यर्थ से बचाएं और विशेष ध्यान दें कि हम व्यर्थ समय भी न जाने दें, क्योंकि समय का इस जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। हम समय निकालकर बीच बीच में एकाग्रचित होने का अभ्यास किया करें। साथ साथ एकाग्रचित होने के लिए चाहिए ज्ञान का बल, एकाग्रचित होने के लिए चाहिए पवित्रता का बल और चाहिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। व्यर्थ से स्वयं को जो मुक्त रखने के इच्छुक हैं, वो चारों ओर से अपने को डिटैच कर लेते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्किल में भी ज्यादा व्यर्थ की बातों में रुचि नहीं रखते। अन्यथा कई लोग कहते हैं हमारा तो फ्रेंड सर्किल ऐसा है, व्यर्थ करता है, हम उनमें शामिल नहीं होंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे। ये बहुत निम्न कोटि का विचार है। आप अपने को इतना महान बना दें कि आपका सारा फ्रेंड सर्किल आपके पीछे पीछे चलने लगे, आपको उन्हें फॉलो करने की जरूरत न पड़े। तो आइए हम एकाग्रता पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, इस शक्ति के परम महत्व को पहचान कर बहुत अच्छा अभ्यास करें। जिनको अपनी एकाग्रता को संपूर्ण करना है, 10 मिनट तक बुद्धि को जहाँ चाहे स्थिर कर सकें, इसको लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें, तो वे ध्यान दें कम से कम 4 बार एकाग्रता के अभ्यास में बैठें, 1 बार एकांत में जाकर मनन चिंतन रमण करें, ताकि मन श्रेष्ठ विचारों से भरपूर हो जाए। आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्षणों के लिए, 10 सेकंड के लिए स्वयं को मस्तक में चमकती हुई मणि देखना और उसके बारे में सोचना, फिर 10 सेकंड के बारे में सर्वशक्तिवान को परम धाम में निहारना, उसके बारे में सोचना, फिर आत्मा पर एकाग्रता, फिर परमात्मा पर एकाग्रता।
कभी अपने संपूर्ण स्वरूप को अपने सामने देखकर उस पर एकाग्र हूँ, तो कभी मैं फरिश्ता हूँ अपने फरिश्ते स्वरूप पर एकाग्र करें, तो कभी मेरा देव स्वरूप कैसा था उसको विजुअलाइज कर उस पर एकाग्र हो जाएं। इस तरह एकाग्रता की प्रैक्टिस आज सारा दिन करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।